नमस्कार, मैं भैरवी ठक्कर इंडिया न्यूज की खास पेशकश अभियान में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे अध्यापकों के बारे में। अध्यापक यानी गुरु, गुरु जिनको हमारे शास्त्रों में भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। माँ बाप अगर जन्म देते हैं तो गुरु शिक्षा। आज ऐसी ही एक गुरु हमारे साथ मौजूद है, कांताबेन हाई स्कूल की एमएससी बीएड टीचर ज्योति ठाकुर। नमस्ते। आप बताएं, आप टीचिंग प्रोफेशन में किस तरह आई? सुना था इट इज अ नोबल प्रोफेशन। अभी अभी आपने भी कहा कि गुरु के बारे में हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा गया है, लेकिन मेरा मानना ये सब शास्त्रों में ही रह गया, किसी ने अमल नहीं किया। ये तो ज्योति मैम है। ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर किया होता तो आज विद्या मैम अस्पताल में नहीं होती। मैं दर्शकों को बता दूं, विद्या सावंत वही टीचर हैं जिन्हें कांताबेन हाई स्कूल ने इंसल्ट करके टर्मिनेट कर दिया था। सॉरी भैरवी, टर्मिनेट उन्हें स्कूल ने नहीं, आज के सिस्टम ने किया है। सिस्टम ने? वो कैसे? हमारा सिस्टम, खासकर एजुकेशन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, जो डिफेंस में है उन्हें बहुत सम्मान सुविधाएं मिलती है, जैसे कि रहने को घर, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन वगैरह वगैरह, और मिलनी भी चाहिए क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। और वो जो देश को पढ़ाते हैं, क्या वो किसी सम्मान, किसी सुविधा के हकदार नहीं है? आज मल्टीनेशनल कंपनीज को ही ले लो, वो अपने वर्कर्स की सुविधा के लिए क्या कुछ नहीं करते। अगर कॉल सेंटर में भी काम कर लो तो उनकी स्टार्टिंग की सैलरी उतनी है जितनी विद्या मैम की आज 28 साल पढ़ाने के बाद है। और मैं दावा करती हूँ उनमें से कोई भी विद्या मैम जितने एजुकेटेड नहीं है। बस प्रोफेशन का फर्क है, उन्हें कंपनी की गाड़ी लेने और छोड़ने आती है, हम टीचर्स को ट्रेन या बस में कंसेशन तक नहीं मिलता। पर टीचर्स को रिस्पेक्ट तो मिलती है? रिस्पेक्ट हमारे देश में रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है जिनके प्रोफेशन में पैसा होता है, पावर होती है। रिस्पेक्ट मिलती है पॉलिटिशियंस को, फिल्म स्टार्स को, क्रिकेटर्स को, जिन्हें चीफ गेस्ट बनाया जाता है, रिबन कटवाए जाते हैं। आपने कभी सुना कि कोई टीचर सेलिब्रिटी हो और उनसे कुछ इनॉग्रेट करवाया गया हो? कभी देखा कि कोई टीचर किसी BMW या ऑडी से आता हो, धोती कुर्ता पहने पैदल, पांव में चप्पल और हाथ में छाता, कि ये टीचर की छवि होती? और सही भी है, टीचर की जितनी सैलरी है कैसे कैसे तो बेचारे घर चलाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से टीचर्स को कोई अलाउंस या सब्सिडी नहीं मिलती? अलाउंस मिलता है ना, SSC एग्जाम्स में टीचर्स को 3 घंटे खड़े रहकर सुपरवाइज करने का अलाउंस मिलता है, पता है कितना? 25 रुपए। सिर्फ 25 रुपए? और एक आंसर शीट चेक करने के 4 रुपए 25 पैसे, कितने? 4.25 रुपए। वो चवन्नी जो बंद हो चुकी है ना, वो हम टीचर्स पर अब भी लागू है। और ये पैसा स्कूल की तरफ से नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से आता है। फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद टीचर्स हैव नो जॉब सिक्योरिटी, उन्हें कभी भी अचानक स्कूल से निकाल दिया जा सकता है। इज दैट सो? कभी सरप्लस कहकर तो कभी इनकेपेबल, जैसे कांताबेन ने विद्या मैम को निकाल दिया। किसी को कोई मतलब नहीं है कि टीचर कितनी क्वालिफाइड है, कितनी एक्सपीरियंस्ड है, बस पैसे कम देने पड़ जाए और उनकी जगह अनट्रेन्ड अनक्वालिफाइड लोगों को रख लिया जाता है। That's very sad. ज्योति, अंत में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, मैं सिर्फ पूछना चाहूंगी कि हाउ कैन एनी वन फॉरगेट देयर टीचर्स? हमारे तरक्की पसंद देश के तरक्की पसंद लोगों को अपनी उस पहली टीचर का नाम तक याद है जिसने उन्हें ABCD लिखना सिखाया, या फिर धोखा टेबल याद करवा, KG से SSC और फिर कॉलेज तक कितने टीचर्स ने आपको अपने ज्ञान के स्रोत में नहलाया, लेकिन बदले में आपने उन्हें क्या दिया? किसी ने कभी ये सोचा कि मैं अपनी टीचर को एक गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू मैम, या हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेज दूं? जैसे स्टूडेंट्स को टीचर्स के ज्ञान की जरूरत है, उसी तरह टीचर्स को स्टूडेंट्स के प्यार और सम्मान की। हमारे देश में
सब द्रोणाचार्य और अर्जुन के रिश्ते की बात करते हैं। आज द्रोणाचार्य बीमार है, अस्पताल में है और जरूरतमंद है। मैं पूछना चाहती हूँ, उसके अर्जुन कहाँ है? कहाँ है उसके अर्जुन? जवाब दीजिए। आज एक भी अर्जुन अपने द्रोणाचार्य का हाल पूछने तक नहीं आया। शुक्रिया ज्योति। तो ये है आज की टीचर्स के हालात। टीचर्स की जिंदगी में नई सुबह का आगाज होना चाहिए। समाज में बदलाव जरूरी है, इसीलिए इंडिया न्यूज ये अभियान जारी रखेगा। शुभ रात्रि। सबसे पहले वीडियो डाउनलोड करो, अपने अपने फ्रेंड्स को दिखाओ। मैं चाहता हूँ ये इंटरव्यू हर स्टूडेंट देखे। सच यार, शी इज राइट, हम अपने टीचर्स को भूल गए। यार तुम लोग को पता है, मैंने आज अपनी सभी टीचर्स के नंबर्स निकाले और उन्हें गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ क्लास के बाद मिलते हैं ना? हाँ मिलते हैं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। विजय सर, इन सबकी तबीयत तो ठीक है ना? आज लगता है कल भैरवी का प्रोग्राम देखा है। ये देखिए सर, मैंने भी आज सुबह अपने टीचर को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा है। नाइस। मॉर्निंग सर।